हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BEMS के बारे में। BEMS करने के बाद आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी डिग्री कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिग्री, या फिर आपकी डिग्री कहाँ मान्य होगी और कहाँ नहीं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। BEMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ एप्रोमोपैथ मेडिसिन सर्जरी। ये होम्योपैथ से अलग होता है, ये पद्धति अलग होती है। इस BEMS को गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं। BEMS के कोर्स की बात करें तो ये एक मेडिकल कोर्स है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकग्नाइज नहीं है इसको। इस कोर्स को नहीं माना गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये एक मेडिकल कोर्स है, नॉन रिकॉग्नाइज मेडिकल कोर्स है, जो कि 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल इंटर्नशिप होता है। तो इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के बाद आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं, वो भी BEMS मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन के जरिए आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं। जैसे कि अगर आप BEMS कर चुके हैं, क्लिनिक चलाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना कि आप आयुर्वेद होम्योपैथ या फिर एलोपैथ मेडिसिन में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। BEMS की जो डिग्री होती है वो 4.5 साल की डिग्री होती है, लेकिन इसको गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो आप कहीं भी इस डिग्री को अप्लाई करेंगे तो इनवैलिड बताएगा। इस डिग्री को कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो इनवैलिड बताएगा। साथ ही साथ आप BEMS की डिग्री से आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप किसी भी फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आप BEMS किए हैं, बैचलर डिग्री सोच रहे हैं कि हमारे पास बैचलर डिग्री है, तो हम कोई भी फॉर्म, मतलब आप मेडिकल छोड़ के आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे कि पुलिस में ही भर्ती लेना चाहते हैं, अगर बैचलर डिग्री उसमें मांग रहा है, तो सोचेंगे कि BEMS हमने किया है, बैचलर डिग्री हमारे पास है, और पुलिस का फॉर्म भर दें, तो वहाँ पे भी इनवैलिड हो जाएगा आपका डिग्री। जो कि आपकी मैक्सिमम योग्यता होगी वो 12th पास की ही होगी, BEMS वहाँ इनवैलिड हो जाएगा। BEMS करने के बाद आप ये मत सोचिए कि आपको कोई वैकेंसी आती है। BEMS में कोई भी वैकेंसी नहीं आती, इलेक्ट्रोमोपैथ में कोई भी वैकेंसी का कोई चांस ही नहीं होता BEMS की वैकेंसी का, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और वैकेंसी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही देती है। तो फिर जब इंडियन गवर्नमेंट ने ही रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो वैकेंसी कहाँ से मिलेगी। तो BEMS करने के बाद आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन से केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर में आप अपना डिग्री नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे इनवैलिड हो जाएगा। तो BEMS करने के बाद आप सिर्फ क्लिनिक चला सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन। BEMS करने के बाद आप सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर लिख सकते हैं अपने नाम के आगे, तो ये भी लीगल होगा, क्योंकि BEMS करने के बाद आप डॉक्टर नहीं EH डॉक्टर लिख सकते हैं, या फिर EH लिख के अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कहा है कि BEMS वाले डॉक्टर नहीं हो सकते, ये अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं EH लिख के, मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथ DR डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन केवल डॉक्टर और फिर नाम नहीं लगा सकते। तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें कि आप BEMS कर चुके हैं या BEMS करने वाले हैं, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, आप किसी भी फॉर्म में अपना डिग्री नहीं लगा सकते, BEMS की जो डिग्री होती है वो इनवैलिड बता देगा। कोई भी प्राइवेट जॉब भी आप शायद ना कर पाएं, क्योंकि वहां पे अगर रिकॉग्नाइज डिग्री चाहिए तो ये रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया से, और वहां पे भी इनवैलिड हो जाएगा। केवल आप BEMS करने के बाद आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन के माध्यम से, क्योंकि BEMS करने के बाद ना तो आप एलोपैथ मेडिसिन चला सकते हैं, ना तो यूनानी मेडिसिन चला सकते हैं, ना तो आयुर्वेद मेडिसिन चला सकते हैं, ना फिर किसी प्रकार का इंजेक्शन ड्रिप आप दे सकते हैं। केवल आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं BEMS करने के बाद। कुछ राज्यों में, जैसे कि कुछ नहीं, केवल एक राज्य जो है कि राजस्थान राज्य है, वहां पे राजस्थान गवर्नमेंट ने, वहां के स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको BEMS को मान्यता दे दी है कि आप इस पद्धति में, आप इस स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमोपैथी मेडिसिन में। और भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पे भी इस चीज को नहीं लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि BEMS वाले BEMS करके अपना इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको ना कोई CMO परेशान कर सकता है, ना तो कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन यह सावधानी जरूर रखें कि वहां पे आप एलोपैथ मेडिसिन का यूज ना करें, ना तो कोई आयुर्वेद मेडिसिन का यूज करें। केवल आप इलेक्ट्रोमोपैथ मेडिसिन चलाना चाहते हैं तो BEMS करके अपना क्लिनिक चलाएं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि BEMS मतलब बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। आप BEMS कर चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या तो फिर BEMS करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए कि कुछ चीजें BEMS को अप्लाई नहीं कर पाती,